क्या केआरके ने खोली सिद्धार्थ की पोल? क्या सिद्धार्थ ने मारा था शहनाज को तमाचा? क्या बिग बॉस के मेकर्स हैं सिट को लेकर बायस्ड? केआरके ने सिट और मेकर्स पर लगाया बड़ा इल्जाम। एक तरफ जहां ठंडी के मौसम की चर्चा बड़ी जोरों शोरों से की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बिग बॉस 13 भी ठंडी में चाय के मजे दे रहा है। यूं तो कंटेस्टेंट बवाल पे बवाल मचाए जा रहे हैं, वहीं सिद्धार्थ शुक्ला और उनकी दादागिरी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। और दादागिरी ये हम नहीं, एक्स कंटेस्टेंट केआरके कह रहे हैं, जो सिद्धार्थ की बैंड बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। अपने ट्वीट के जरिए केआरके काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो आपको बता दें कि हुआ यू के सिद्धार्थ जानबूझकर शहनाज को उकसा रहे थे, मायरा की तारीफ करके वो उन्हें जलाने की कोशिश कर रहे थे और शहनाज को ये बात पसंद नहीं आई तो शहनाज कभी सिद्धार्थ पर चप्पल फेंक कर मार रही थी तो कभी उनके गालों पर तमाचा भी मार रही थी और गुस्से में खुद को भी तमाचा मार रही थी शहनाज। और अब एक वीडियो ऐसा वायरल हो रहा है जिसमें सिद्धार्थ शहनाज को तमाचा मार रहे हैं। उसी के चलते केआरके ने सिद्धार्थ को निशाना साधा और अपने ट्वीट में फिर एक बार केआरके ने लगाया बिग बॉस मेकर्स पर बायस्ड होने का इल्जाम। केआरके ने कहा, आप देख सकते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज के गाल पर थप्पड़ मारा, आप किसी लड़की पर हाथ नहीं उठा सकते। वहीं दूसरे ट्वीट में केआरके ने कलर्स टीवी और बिग बॉस के मेकर्स पर निशाना साधा। बिग बॉस, कलर्स टीवी, मनीषा शर्मा, सलमान खान को मेरा सल्यूट है क्योंकि उन्होंने आज के एपिसोड से सिद्धार्थ और शहनाज के एक दूसरे की थप्पड़ मारने वाले क्लिप को एडिट किया है। ये सबूत है कि सिद्धार्थ शुक्ला कलर्स के दामाद हैं और बिग बॉस 13 के फिक्स्ड विनर भी हैं। आपको क्या लगता है, हर हफ्ते सलमान खान से इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी क्या सिद्धार्थ अपने गुस्से को काबू में नहीं कर पा रहे हैं? क्या लगता है आपको, सिद्धार्थ सही है या शहनाज? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बिग बॉस से जुड़ी ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें टेली मसाला।